जिला प्रशासन के द्वारा पुरानी गल्ला मंडी से अतिक्रमण की जद में आ रहे मकानों को तोड़ा गया। इस मकान को लेकर न्यायालय में केस भी चल रहा है। एक लंबे अरसे से इस इमारत पर प्रशासन की नजर थी। जिला प्रशासन गुना शहर को साफ स्वच्छ बनाना चाहती है और शहर में सफाई के सर्वेक्षण में 10वें स्थान के अंदर आए उसके लिए प्रयासरत भी है। जिला प्रशासन द्वारा इसे लेकर अतिक्रमण भी हटाए जा रहे हैं, लेकिन अतिक्रमण हटाने पर चर्चाएं गर्म है कि उसमें भी भेदभाव हो रहा है। वहीं रविवार को पुरानी गल्ला मंडी से हटाए गए अतिक्रमण को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रशासन की कार्रवाई को दमनकारी बताया है। मंडी में तूफान सिंह धाकड़ पर आरोप है कि उसने अतिक्रमण कर रखा है। उसको जिला प्रशासन ने 2 बार तोड़ दिया, किंतु उससे भी अधिक जमीन पर और भी अन्य लोगों के अतिक्रमण है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई? इस पर योगेंद्र शर्मा का कहना है कि तूफान सिंह ना तो सत्ता पार्टी का और ना ही किसी मंत्री विधायक का रिश्तेदार। श्री शर्मा कहते हैं कि यही कारण है कि तूफान सिंह धाकड़ को धारा 151 के तहत जेल में बंद कर रखा है तथा एसडीएम मैडम उसकी जमानत नहीं होने दे रही। तूफान सिंह धाकड़ 77 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति है। उसकी पत्नी मानसिक बीमारी से ग्रसित है। 2 दिसंबर से तूफान सिंह जेल में बंद है। उसकी अनुपस्थिति में प्रशासन ने उसका घर तोड़ दिया। तूफान सिंह पर गल्ला मंडी में अतिक्रमण करने का आरोप है। वहीं 2 दिसंबर को उसे धारा 151 में पुलिस द्वारा जेल भेज दिए गए, जिसे जमानत भी नहीं मिल पा रही। पार्टी के मनोहर मिरोटे का कहना है कि यह पूरा खेल किसी बड़े घोटाले का संकेत है। पूरी मंडी में सिर्फ एक आदमी पर कार्रवाई करना अनुचित है। 151 में जमानत न देना ये एक तरफ से प्रशासन की ही गुंडागर्दी है और हिटलर शाही है। ये दमनकारी कार्रवाई का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी विरोध करती है। जिला प्रशासन से पार्टी मांग करती है कि सभी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एक जैसी कार्रवाई करे, जल्द ही तूफान सिंह को रिहा किया जाए। प्रशासन से मांग है कि नियमानुसार कार्रवाई करें, ना कि व्यक्तिगत खुन्नस निकालें। अगर प्रशासन ने ऐसा नहीं किया तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लोगों को लेकर आंदोलन करेगी और जनता के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगी। वहीं योगेंद्र शर्मा ने आशंका जताई कि इस खबर के प्रकाशन के बाद पुलिस प्रशासन उन पर भी कोई कार्रवाई कर सकता है। अतिक्रमण में अगर ये है तो ये भी अतिक्रमण में अगर बना हुआ है, साइड में भी बना हुआ, फिर क्या कारण है कि सिर्फ एक आदमी को लगातार टारगेट किया जा रहा है? तो आज मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को जब ये खबर लगी तो हमारे कुछ साथी और हम यहाँ पहुँच करके हमने यहाँ जाना कि मामला क्या है। तो ये पूर्व में जो इस स्थिति में ये हाईकोर्ट में ये प्रकरण चल रहा था इसका, और इसको हाईकोर्ट से इनको रिलीफ भी मिला है, और फिर भी इसके बावजूद भी इन्होंने इसको ढहा है। तो इसमें बड़ी सोचने वाली बात है कि तमाम पूरी मंडी के अंदर अतिक्रमण हो रहा है, पड़ा हुआ है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन एक आदमी के ऊपर किस वजह से टारगेट किया जा रहा है ये जानने की हमने कोशिश भी की, लेकिन उनके परिवार में कोई है नहीं है। एक बुजुर्ग 77 साल के आदमी को अंदर जेल में बंद कर रखा 2 तारीख से आज तक प्रशासन ने, बताइए आप। तो हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो प्रशासन ने अतिक्रमण के नाम पर जो गुंडियाई चालू की है, इसको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बर्दाश्त तो नहीं करेगी। और अभी जैसे ही ये जेल से बाहर आते हैं, हम उनसे बात करके, उनसे दस्तावेज देख करके कि मामला आखिर क्या है, इसके बाद प्रशासन के खिलाफ हम लोग मोर्चा खोलेंगे, आंदोलन करेंगे। ऐसे किसी भी किसान को या किसी भी आम आदमी को प्रशासन द्वारा परेशान नहीं किया जा सकता। अगर करेंगे तो लोग सड़कों पर आएंगे। मैं मनोहर, जिला सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी।